बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है तैयब और एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ मैं एक न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके जो स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। जबरदस्त जॉब्स अनाउंस हुई थी कुछ दिन पहले, OG-1 की जो थी बैचलर डिग्री वालों के लिए, अब अनाउंस हुई है मास्टर डिग्री वालों के लिए। ज्यादातर जॉब्स अनाउंसमेंट हो रही है और अप्लाई ये जो है NTS की तरफ से आपको अप्लाई नहीं करना होगा, होगा ये भी ऑनलाइन ही, लेकिन आपको इनकी अपनी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा जो काफी थोड़ा सा लेंथी है, जो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कैसे आपने अप्लाई करना है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप यहीं से स्किप कर सकते हैं। इसमें बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 82,000 इसकी सैलरी है और ये 100+ इसकी सीट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी मेल फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इससे पहले यही कहूंगा अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो पे न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक कर दें, साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे टाइम पे। और लाइक जरूर करा करें ताकि जैसी भी वीडियो हो और लाइक जरूर करा करें, फ्री और फास्ट होता है ताकि हमें मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलता रहे। तो क्या करना है, गूगल में जाने बा आपने यहाँ पे गूगल में जाना है, यहाँ पे लिखना है ROZIGO, लिखना है रोजीगो, इंटर कर देना है। ओके, और यहाँ पे आ रहा है rozigo.com लेटेस्ट डेली लेटेस्ट जॉब्स अपलोड, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं जो काफी अच्छी होती हैं, आपको कोई ना किसी में तो आप एडजस्ट हो सकते हैं इसमें। और यहाँ पे ये आ रहा है जी, आपने स्टेट बैंक पे इस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आ रही है। तो ये दो की सीट्स हैं, ये एजुकेशन वगैरह इसकी बताई गई है, मास्टर बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, 16 ईयर एजुकेशन वाले, मैक्सिमम 16 ईयर एजुकेशन हो, 82,000 सैलरी है इसकी, एज 26 है मिनिमम, मैक्सिमम इतनी इसकी एज होनी चाहिए और फाटा डिग्रीज वाले जो है उनको 5 साल की रियायत दी गई है। और इसके अलावा जो बाकी हैं एरियाज की जो भी हैं अगर वो, उनको 3 साल की रियायत दी गई है, मतलब 21 से लेके 29 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और रिटर्न टेस्ट होगा आपका, इंटरव्यू होगा और प्लीज सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट अपेयर ऑन द रिटर्न टेस्ट, दोज विल क्वालिफाई फॉर द एग्जाम आर इनवाइटेड। और बाकी कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स इसकी दी गई हैं, एप्लीकेशन एंड टेस्ट प्रोसीजर का यहाँ बताया गया है कि क्लिक ऑन ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पे बताया गया आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, उसके साथ ही आपको ये चालान इसका पे करना होगा जो आप फिल करेंगे, उसके बाद इसका यहाँ से ओपन होके आएगा आपके सामने, मैं दिखा देता हूँ। आपने उस पर क्लिक किया, ये आपने फिल करना, जैसे फिल करेंगे सब कुछ तो आपके सामने एक जनरेट होके आ जाएगा चलान, आपने वो चलान जाके बैंक में पे करना होगा। और पे करने के बाद आपने क्या करना है, इसका अपने पास संभाल के रखना, जब आपका टेस्ट होगा तो वहां पर ये चलान फॉर्म आपका दिखा भी जाएगा। तो बाकी कोई इसके लिए मुझे लगता है कि आपको ये कहीं करवाना नहीं होगा, TCS का ये नहीं करवाना होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे यही फिल करना होगा, या करवाना भी हुआ होगा तो लास्ट पे जो भी जनरेट होके आएगा वो चलान हो सकता है, या इसका फॉर्म होगा जो आपने प्रिंट किया होगा जैसे NTS में होता है, तो नीचे एड्रेस दिया गया कि आपने इस पे सेंड करना है। अगर नहीं आता चलान आता तो सिर्फ आपने चलान ही पे करना है और उसको अपने पास रख लेना है ओरिजिनल कॉपी, ताकि बाद में आपको दिखाना पड़े। तो मिल पता समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो वीडियो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।